दोस्तों टीन टाइटन्स गो को 9 मार्च 2015 में पहली बार कार्टून नेटवर्क पर हिंदी में दिखाया गया था, जिससे ये शो इंडिया में इतना पॉपुलर हो गया कि इसके टोटल 367 एपिसोड्स को बनाया गया, जिसे बच्चों ने खूब पसंद किया। बट इतना पॉपुलर होने के बाद भी इस शो को 2019 के बाद कभी ब्रॉडकास्ट ही नहीं किया गया। आखिर ऐसा क्यों? और मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे रीजंस भी बताऊंगा जिससे ये शो बच्चों के लिए बना ही नहीं था। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलना। दोस्तों टीन टाइटन्स गो एक स्पिन ऑफ सीरीज है टीन टाइटन्स का, जिसे 2013 में बर्नर ब्रोस एंड डीसी ने मिलकर टीन टाइटन्स गो को बनाया था। बट अब मैं इसकी पूरी हिस्ट्री बताकर तुम्हें बोर नहीं करूंगा, तो बात करते हैं क्यों ये शो बच्चों के लिए नहीं है। ऐसे तो ये शो ऑल एजेस ग्रुप के लोग देख सकते हैं, बट इस शो की मेजोरिटी ऑडियंस बच्चे ही हैं, क्योंकि एक तो इसकी किड्स टाइप एनिमेशन और कोई स्टोरी लाइन ना होने के कारण ये शो किड्स टाइप बन जाती है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो टीन टाइटन्स जो इसकी ओरिजिनल सीरीज थी उसकी एनिमेशन बहुत अच्छी थी, उसे देखकर बिल्कुल बेन 10 की वाइब्स आती थी और उसकी स्टोरी टेलिंग भी बहुत अच्छी थी। बट टॉक विथ्स मी, अभी तो तू कह रहा था कि ये टीन टाइटन्स गो बच्चों के लिए नहीं है। सो इसके रीजंस हैं जिससे ये शो बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, और ये सीन टीवी पर भी दिखाए जा चुके हैं। अनकम्फर्टेबल मोमेंट्स, ऐसे तो इस शो को फैमिली के साथ भी देखा जा सकता है, बट इसमें कुछ वियर्ड मोमेंट्स और एपिसोड ऐसे भी हैं जो बहुत अनकम्फर्टेबल होते हैं। जस्ट लाइक अगर तुमने टीन टाइटन्स गो के एपिसोड टोफू सॉन्ग को देखा है तो तुम्हें पता होगा कि इसमें बीस्ट बॉय बिना कपड़ों के टोफू खाता है, जो बहुत वियर्ड लगता है, जो बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। और यही नहीं, इस शो में इतने सारे किसेस सीन है कि तुम गिनते ही रह जाओगे, और ये बहुत कम्फर्टेबल है किसी बच्चे के लिए। करेक्टर्स को बिना क्लॉथ्स के दिखाना, जस्ट लाइक एक एपिसोड जिसका नाम लॉन्ड्री डे होता है, उसमें सभी करेक्टर्स के कपड़े गायब हो जाते हैं। उसमें रॉबिन को बिना कपड़ों के दिखाया जाता है, वो भी बिना अंडरवेयर के। बट अगर सोचो यहाँ स्टारफायर के पास सिल्की नहीं होता तो कैसा होता? जस्ट जॉकिंग, बिना परमिशन के बाथरूम और रूम में एंटर करना, जो बहुत अनकम्फर्टेबल है किसी बच्चे के लिए। और लेडी लेगेसिस के एपिसोड की तो बात ही मत करो, जिसमें जब रेवन अपनी केव उतारती है और अपने लेग्स को शो करती है, तब रॉबिन और बीस्ट बॉय जो बिहेवियर करते हैं वो बहुत वियर्ड होता है, जो बच्चों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। क्रीप रॉबिन, रॉबिन का हमेशा स्टारफायर पर सिंप करना, जैसे उसे प्रपोज करना और स्टारफायर को फ्लर्ट करना, बट ये कोई बड़ी बात नहीं है। बट रॉबिन सिंप से ज़्यादा क्रीप है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो रॉबिन के कमरे में एक चार्ट है जिसमें स्टारफायर वीकली शेड्यूल लिखा है, जिसमें रॉबिन स्टारफायर को ट्रैक करता है और उसके हर बिहेवियर को नोटिस करता है, और बगल में ही स्टारफायर की फ़ोटो भी है, जिससे आप ये समझ गए हो कि रॉबिन कितना ज़्यादा क्रीप है। और कुछ एपिसोड्स में तो रॉबिन स्टारफायर के लिए बिल्कुल पागल जैसा बिहेव करने लग जाता है। जस्ट लाइक मैच्ड एपिसोड में जब स्टारफायर का मैच एक्वामैन के साथ हो जाता है, तब रॉबिन एक्वामैन बनने की कोशिश करता है बट वो नाकाम रहता है। और एक एपिसोड में जब स्टारफायर अपने प्लेनेट के मॉन्स्टर से मैच करती है, तब रॉबिन बहुत रोता है, जो बहुत क्रीप लगता है। सो ये सब कुछ रीजंस थे जो बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। बट इतना पॉपुलर होने के कारण कार्टून नेटवर्क ने इस शो को बंद क्यों कर दिया? सो मेन रीजन तो यही हो सकता है कि इनके वियर्ड बिहेवियर होने के कारण इस शो को बंद कर दिया गया। और सेकेंड रीजन हो सकता है कि लोकलाइजेशन ऑफ इंडियन किड्स चैनल, जिसमें चैनल सिर्फ इंडियन कार्टून को ही दिखा सकते हैं, और रियल रीजन तो सिर्फ कार्टून नेटवर्क को ही पता होगा। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। तो अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।